लिया, क्योंकि अगर भोलेनाथ अपने कंठ से नीचे उतारते उस जहर को तो भगवान भोलेनाथ के हृदय में भगवान श्री सीताराम का वास था, तो भगवान को कष्ट पहुंचता जहर से, तो इसलिए उन्होंने कंठ में ही उस जहर को रख लिया। तभी से तब उनका कंठ गला नीला पड़ गया, तो उनका नाम हो गया नील कंठ। बोलो नील कंठ भगवान की जय हो। उनका नाम पड़ गया नील कंठ। उसके बाद जब अमृत निकला तो देवता और दैत्यों में युद्ध होने लगा। देवता बोले हम अमृत पिएंगे और दैत्य बोले हम अमृत पिएंगे। तभी भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के अमृत अमृत देवताओं को पिला दिया, अमृत अमृत देवताओं को पिला दिया और पानी पानी जल जल दैत्यों को पिला दिया, जल जल दैत्यों को पिला दिया और अमृत अमृत देवताओं को पिला दिया। उसके बाद यहाँ एक दैत्य को शक हुआ, दैत्य को शक हुआ, गड़बड़ लगा कुछ, तो दैत्य ने उसको जब शक लगा उसने एक देवता का रूप धारण किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने धोखे से उसे भी अमृत पिला दिया, पर जब उसे अमृत पिलाया तो देवताओं चंद्र और चंद्र देवता और सूर्य जी ने इशारा किया कि ये देवता नहीं है, ये तो दैत्य है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका गला काट दिया, पर उसके गले तक वो अमृत पहुंच ही चुका था, तो मरा तो नहीं पर वो दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। और जब वो दो भागों में बट गया तो उसका नाम पड़ गया, उसका नाम पड़ गया राहु और केतु। और नवग्रह में आज भी उसकी पूजा होती है, राहु और केतु के नाम से आज भी नवग्रह में उसकी पूजा होती है। और फिर देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ, देवताओं ने दैत्यों को मार करके भगा दिया और देवताओं ने दैत्यों से अपना स्वर्ग वापस ले लिया। पर दैत्य रोते रोते अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे, बोले गुरुजी उन देवताओं ने हमसे स्वर्ग छीन लिया। कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक यज्ञ बताया। उस यज्ञ को दत्तों ने वह यज्ञ किया और जैसे वह यज्ञ किया उस यज्ञ में से सुंदर सा रथ निकल गया, सुंदर रथ निकला और उस रथ में सारे अस्त्र शस्त्र सभी अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे, सभी अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। वह रथ राजा बलि को दे दिया गया, वो रथ राजा बलि को प्रदान कर दिया गया, राजा बलि को दे दिया गया। राजा बलि ने जाकर के देवताओं से युद्ध किया और देवताओं को मार करके भगा दिया और उनसे स्वर्ग वापस छीन लिया, उनसे स्वर्ग वापस छीन लिया और स्वर्ग छीन करके यहाँ देवताओं को भगा दिया। जंगलों में जाकर के कंदराओं में गुफाओं में पेड़ पौधों पर
रहने लगे। कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ पौधों पर छुप 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 कर रहने लगे। ये यहाँ पर जब छुप छुप कर रहने लगे, ये बात पता चली उन देवताओं की माता अदिति को। माता अदिति को पता चली, उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, और उन्होंने अपने पति कश्यप जी से उपाय पूछा। देखो माता, अदिति मैया को संस्कारी पुत्र चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने पति कश्यप जी से उपाय पूछा कि कैसे संस्कारी पुत्र की प्राप्ति होगी और हमारे बच्चों का क्या होगा। उन्होंने उपाय पूछा। तो कश्यप जी ने उपाय बताया। ऐसे ही माताओं, देखिए ये जो इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, ये कथा चल रही है, ये कथा इसलिए हुई है, इसलिए यहाँ पर रखी गई है कि आपके जो बच्चे हैं, बच्चे संस्कारी हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके बच्चे संस्कारी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और इसमें ये कथा है भगवान की, और हम आप सभी को प्रेरणा दी है माँ माँ मा, ने और मुझे बोलने की शक्ति, आपको सुनने की प्रेरणा भी माँ जगत जननी ने दी है। तो देखिए यहाँ इसलिए ये कथा हो रही कि आपके बच्चे इस कथा को सुनकर कुछ प्रेरणा ले सके, कि जैसे मैं हूँ तो मैं कथा कर सकती हूँ, मैं एक छोटी सी बालिका हूँ, मैं कथा कर सकती हूँ। तो बच्चे ये प्रेरणा लें कि हम कोई अच्छा कार्य क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैं कथा कर सकती हूँ, अगर मैं एक छोटी कन्या कथा कर सकती हूँ तो बच्चे अच्छा कार्य क्यों नहीं कर सकते, कि नहीं कर सकते बताइए। तो बच्चों के से प्रेरणा लेनी चाहिए, बच्चे संस्कारी, इसलिए ये कथा रखी गई। और मैं चाहती हूँ किस कथा में हर घर से इस कथा में थोड़ा थोड़ा दान आना चाहिए, चाहे एक किलो का दान हो, एक किलो हो, या चाहे 10 किलो का दान। आपकी भगवान ने आपको जितनी भी सामर्थ्य दी, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से इस कथा में दान करें। आप अपनी मेहनत की कमाई से इस कथा में सहयोग करें, दान करें, अन्न दान करें, आपसे जैसे जायज से बन सके इसमें दान करें, चाहे जैसे बन सके इसमें सेवा करें, तन से, मन से, धन से अन्न दान करें, धन दान करें इस कथा में, पर दान अन्न आपको करना चाहिए, अन्य दान करना चाहिए, धन दान करना चाहिए। जैसे जय श्री राधे, और 51 रुपए की धनराशि लट्टू कुशवाहा।